काफी लोग हमारे पास में आते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, पूछते रहते हैं, उनको डिप्रेशन है, उदासीनता है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है, ओवर थिंकिंग करते हैं, उनको बार बार हाथ धोने की आदत है, बार बार वही विचार आते रहते हैं। क्या आपको ये पता है कि 10-15% लोगों को चिंता रोग या डिप्रेशन है, नर्वसनेस है और उनको इलाज की ज़रूरत है। 15-30% लोगों को लैंगिक समस्या है, जिसमें लैंगिक कठोरता नहीं आना और जल्दी निकल जाना, ये बीमारी है। 100 में से 1 व्यक्ति जो है वो शराबी है, अल्कोहल एडिक्शन का उसको प्रॉब्लम है, शराब की लत उसको है। 100 में से 1 व्यक्ति जो है वो मंदबुद्धि का है और 100 बूढ़े लोग जो है उनमें से एक व्यक्ति को एक तो याददाश्त नहीं है या उनको डिमेंशिया हुआ है या अल्जाइमर डिजीज हुआ है। बहुत लोगों को फिट्स की बीमारी है, झटके आते हैं, उन लोगों को नींद नहीं आती, सिर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, घबराहट बेचैनी होती है। ये तो हो गया न्यूरोटिक इलनेसेस, मतलब कम प्रकार की, कम स्वरूप की बीमारी है। कुछ लोगों को गंभीर बीमारी हो जाती है, जैसे आक्रामक होना, मारपीट करना, आंख पे जाना, कान में आवाज़ होना, शक करना कि लोग मेरे पीछे लगे हैं, या लोगों के ऊपर शक करना कि आप मुझे खिला रहे हैं। कुछ लोगों को मैनिया, हर्षवायु की बीमारी है। कुछ लोग बीमारी है उनको इसलिए सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी गंभीर बीमारियाँ भी उनको है। अब ये लोग जो है सभी इतने ज़्यादा प्रमाण में हमारे समाज में होने के बावजूद भी लोग हमारी तरफ नहीं आते। मैं डॉक्टर दीपक केळकर पिछले 41 साल से महाराष्ट्र अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी तक लाखों लोगों का मैंने इलाज किया हुआ है। लोग शर्माते हैं, लोग हमको आके बोलते नहीं, ये बाहर का है, भूत पलीत है। लोगों को लगता है कि भाई सोशल टैबू है ये, लोग क्या कहेंगे, पागल हो गया क्या ये, ऐसा लोग कहें करके हमारे पास में आते नहीं हैं। हालांकि हमारे पास में आए तो हमारे पास में बहुत सारी ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारा केळकर हॉस्पिटल है, पिछले 41 साल से अकोला में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ रिलेटिव्स के साथ में हम पेशेंट को भर्ती करते हैं। दूसरा एक आशा किरण हॉस्पिटल है, जहाँ रिलेटिव्स के अलावा पेशेंट को अकेले भर्ती करते हैं, वो रिहैब सेंटर है। हमारे पास में हिप्नोथेरेपी है, हिप्नोथेरेपी मतलब सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग करना, तो उससे लोग अच्छे होते हैं, बिना दवाई का इलाज हो सकता है, बिना दवाई का। CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बिना दवाई का इलाज है। काउंसिलिंग करते हैं, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है NLP, फिर सेक्स ट्रीटमेंट की मशीनरी है, एवर्शन ट्रीटमेंट की मशीनरी है, RTMS है, हम दिमाग का इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निकालते हैं, जांच करते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है तो उसको शॉक ट्रीटमेंट दी जाती है। अब शॉक ट्रीटमेंट पुराने ज़माने में ऐसा नहीं कि पेशेंट चिल्ला रहा है, चीख रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं, पेशेंट को मालूम भी नहीं होता कि उसको शॉक दे रहे हैं। जैसे अलग अलग तरह से इलाज उसका होता है। आप हमें ऑनलाइन ऑफलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए हिप्नोथेरेपिस्ट बनना है तो नीचे लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके ऊपर क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं। और हमारे बाकी भी प्रोग्राम चलते हैं, इसमें कर्मा जर्नी का है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, सेक्स थेरेपिस्ट बनने वाला प्रोग्राम है, काफ़ी सारे प्रोग्राम चलते हैं, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। आखिर में बता रहा हूँ कि शराब की लत वाले, आक्रामक होने वाले वायलेंट पेशेंट्स हैं, मैनिया वाले जो है, डिप्रेशन के, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, घबराहट, मंदबुद्धि, बुढ़ापे के मनोविकार। ये वीडियो आपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ज़रूरी है। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि लोगों को जानकारी होंगी और हमारे देश का हर व्यक्ति मानसोपचार लेगा, हर व्यक्ति अच्छा हो जाएगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। यदि ये प्रोग्राम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए हमारे कम्युनिटी में। आप उससे ज्वाइन होकर हमारे प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू।